अब आपके पास जो दो प्लेसेस गिवन है ए और बी ठीक है उनमें डिस्टेंस जो है इन्होंने 100 किलोमीटर बताया है ठीक है ये दोनों हाईवे पे है और एक कार जो की ए पॉइंट से स्टार्ट हुई है जो सेकंड कार है वो बी पॉइंट से स्टार्ट हुई है एट द सेम टाइम इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अगर तो कार सेम डायरेक्शंस में ट्रेवल करना स्टार्ट करती हैं अलग अलग स्पीड के साथ तो वो फाइव आवर्स में मीट करती हैं ठीक है अगर ये दोनों कार्स जो हैं एक दूसरे की तरफ दैट मींस कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करना स्टार्ट करती हैं तो ये वन आवर में मीट करती हैं राइट तो आपने इन दोनों कार्स की स्पीड बतानी है अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो कंडीशंस गिवन है तो डेफिनेटली हम दो इक्वेशंस बना के इसे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करेंगे इस कंडीशन में हम जो कार्स हैं ठीक है उनकी स्पीड्स एक्स और वाई अज्यूम कर लेते हैं सो यू कैन राइट लेट स्पीड ऑफ कार वन बी एक्स किलोमीटर पर आर और जो कार टू है इसकी स्पीड हम वाई अज्यूम कर लेते हैं सो स्पीड ऑफ कार टू बी वाई किलोमीटर पर आर ना अब हम अपनी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं सो so, हमारे पास जो ए और बी है ठीक है ये दोनों प्लेसिस में डिस्टेंस कितना बता रहे हैं ये इन दोनों प्लेसिस में डिस्टेंस जो है that is 100 किलोमीटर राइट सो कार वन जो है ठीक है अब हम अपने केस वन की बात करते हैं सो केस वन में ये बोल रहे हैं कि कार वन जो है ठीक है ये भी सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और कार टू ये भी सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है राइट right? और ये आफ्टर फाइव आवर्स जो है अगर ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीड के साथ चलती हैं तो ये मीट करती हैं ठीक है तो मैं एक पॉइंट मान लेती हूं कि ये सी पॉइंट पे ठीक है ये मीट करेंगी आफ्टर फाइव आवर्स जितना भी टाइम इनको लगेगा टाइम विल बी फाइव आवर्स राइट अब डेफिनेटली हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें डिस्टेंस और टाइम गिवन है राइट right? तो हम जो अपना फॉर्मूला बनाएंगे वो भी डिस्टेंस और टाइम के विद रिस्पेक्ट बनाएंगे राइट right? सो so, अब सबसे पहले आप लिख लो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार वन इक्वल टू अब ऑब्वियसली कार वन जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है ठीक है इट इज ए बी प्लस बी सी ठीक है सो so, टोटल कितना हो गया ए सी इसको आप लिख सकते हो ए बी प्लस बी सी राइट और कार टू जो है इसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है दैट इज ओनली बी सी सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कार कारू इट इज ओनली बी सी ए बी का डिस्टेंस जो है ये हमारे पास बताया है दैट इज हंड्रेड किलोमीटर राइट सो जितना भी हमारे पास ट्रेवलिंग में डिफरेंस आएगा राइट सो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये कितना आ रहा है दैट इज इनका जो डिस्टेंस है ठीक है उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार वन माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार टू नाउ अगर आप देखो तो कार वन का डिस्टेंस कितना है दैट इज एबी प्लस बी सी और जो कार टू है इसका डिस्टेंस हमारे पास बी सी आ रहा है अगर आप इनको देखो सो डेफिनेटली ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी हो जाएगा दैट मीन्स कि ये कैंसिल हो गया एंड इसका डिफरेंस कितना आ गया ओनली ए बी और ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है दैट इज हंड्रेड किलोमीटर हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है ठीक है ये कितना आ रहा है इट इज हंड्रेड किलोमीटर सो यू कैन राइट ओवर हियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार वन माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इसकी वैल्यू हंड्रेड आ रही है राइट right? अब मुझे पता है कि मैंने ये सारी की सारी बात जो है ठीक है वो विद रिस्पेक्ट टू दी स्पीड करनी है क्योंकि इक्वेशंस के लिए हमारे पास जो वेरिएबल्स आ रहे हैं वो एक्स और वाई है सो so, इसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे अगर हम अपना फॉर्मूला देखें तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम आता है राइट right? अब मुझे बताया कि मुझे ये जो इक्वेशन आ रही है ठीक है दिस इक्वेशन इसके अकॉर्डिंगली काम करना है सो so, डिस्टेंस क्या हो जाएगा डिस्टेंस विल बी स्पीड इंटू टाइम अब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा डेफिनेटली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार वन तो अगर इसे देखूं तो स्पीड ऑफ कार वन इंटू टाइम ठीक है कि जितना इसने टाइम लिया है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के लिए माइनस स्पीड ऑफ कार टू इन टू टाइम आ जाएगा और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है दैट इज हंड्रेड किलोमीटर राइट स्पीड ऑफ कार वन एक्स है और टाइम कितना लिया है राइट सो एक्स इंटू फाइव हो जाएगा माइनस स्पीड ऑफ कार टू वाई है और टाइम फाइव आरस ही लिया है इसने भी उस पर्टिकुलर सी पॉइंट पे पहुंचने के लिए और इनका जो डिफरेंस आ रहा है डिस्टेंस का वो इक्वल टू हंड्रेड है अब हम अपनी मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं सो एक्स इंटू फाइव फाइव एक्स बन जाएगा माइनस फाइव इंटू वाई फाइव वाई आ गया इक्वल टू हंड्रेड अब ये जो फाइव है इसे आप कॉमन निकाल सकते हो सो फाइव एक्स माइनस वाई इक्वल टू हंड्रेड आ गया ठीक है सो एक्स माइनस वाई इक्वल टू हंड्रेड बाई फाइव सो फाइव वन द फाइव फाइव ट्वेंटी द हंड्रेड अब केस टू की अगर हम बात करें ठीक है तो केस टू में क्या बोल रहे हैं कि अगर तो दोनों कार्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करना स्टार्ट कर देती है अगेन हमारे पास दो पॉइंट है ए एंड बी और इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज हंड्रेड किलोमीटर ठीक है दो कार्स आ रही हैं कार वन एंड कार टू ये कार्स जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करना स्टार्ट कर देती हैं राइट और एक पॉइंट पे आके ये मीट करती हैं राइट और ये पॉइंट को मैं डी कह लेती हूं कहते हैं कि ये जो पॉइंट है ठीक है इस पे जब ये मीट करेंगी तो ये जो टाइम लेंगी वो वन आर होगा राइट अब आपने बताना है कि कार्स की स्पीड क्या है तो अगेन हमारे पास जो कार वन है उसका डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा सो यू कैन राइट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार वन इक्वल टू श्योरली यहां पे ए डी आ जाएगा ठीक है क्योंकि डी पॉइंट पे ये दोनों कार्स जो है मीट कर रही हैं और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इट इज बी डी राइट अब ये जो हमारे पास कार्स हैं ठीक है इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया है ये देखना है अब डेफिनेटली यहाँ पे जो कार वन है इसने एडी डिस्टेंस कवर किया है और जो कार टू है इसने बी डी डिस्टेंस कवर किया है और ये जो एडी और बी डी है इन दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है हंड्रेड के इक्वल आ रही है सो so, इन दोनों कार्स का जो डिस्टेंस है वो आप लिख लो सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार वन एंड कार टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड by car वन and car टू ये कितना आ रहा है ये इक्वल टू हंड्रेड आ रहा है अब अगेन डिस्टेंस का हम फॉर्मूला देखेंगे सो so, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने ऊपर ही बात की है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम होता है राइट right? तो यहां पे भी कार वन का जो डिस्टेंस है ठीक है वो मेंशन कर देंगे सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार वन प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार टू और ये दोनों वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास हंड्रेड के इक्वल अब डिस्टेंस स्पीड इन टू टाइम होता है तो यहां पे हम लिख लेंगे स्पीड ऑफ कार वन इनटू जितना इसने टाइम लिया है ट्रेवल करने के लिए मतलब वन आवर में ये दोनों मीट कर रही हैं इसका मतलब है कि जो हमारे पास कार वन है उसने वन आर लिया है ये डिस्टेंस कवर करने के लिए प्लस स्पीड ऑफ कार टू इनटू टाइम टेकन बाय दिस कार राइट ये दोनों इक्वल टू किसके आ रहे हैं हंड्रेड के इक्वल आ रहे हैं स्पीड ऑफ कार वन हमने एक्स अज्यूम किया है और जो टाइम है डेफिनेटली वो वन आर लगा है राइट ये मेरे पास जो फर्स्ट कार है उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है उसकी बात कर रहे हैं प्लस स्पीड ऑफ कार कार्यूम कर रहे हैं और इसने भी वन आर लिया है ये डिस्टेंस कवर करने के लिए और ये दोनों वैल्यूज इक्वल टू हंड्रेड आ रही है राइट अब वन इंटू एक्स एक्स हो गया प्लस वन इंटू वाई वाई हो गया ये इक्वल टू हंड्रेड बन गया अब ये जो हंड्रेड है ठीक है इसे जब आप इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये अपना साइन चेंज कर लेगा दैट विल बी और ओवरऑल इक्वेशन इक्वल टू जीरो बन जाएगी ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई ना अब दोनों इक्वेशन जो हमारे पास आई हैं, ठीक है इन्हें अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे सो so, आप अपनी इक्वेशन लिख लो सो फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स माइनस वाई माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो आ गई ये फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड वन एक्स प्लस वाई माइनस हंड्रेड इक्वल टू जीरो सेकेंड इक्वेशन है राइट अब सबसे पहला टारगेट हमारा क्या है कि हमने इन दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ कंपेयर करके कॉफिशियंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो ठीक है तो ये फर्स्ट इक्वेशन है एक्स माइनस वाई माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो सो डेफिनेटली जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो ए वन की वैल्यू हमारे पास वन आएगी बी वन की वैल्यू माइनस वन आएगी और सी वन की वैल्यू माइनस ट्वेंटी आएगी राइट अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं एक्स प्लस वाई माइनस हंड्रेड इक्वल टू जीरो सो कंपेरिंग विथ अब इस इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन कह रहे हैं तो डेफिनेटली इसके जो कॉफिशियंट होंगे ए टू बी टू और सी टू अज्यूम करेंगे राइट right? सो so, ये इक्वल टू जीरो बन गया सो ए टू की वैल्यू हमारे पास वन आ रही है बी टू की वैल्यू वन आ रही है और सी टू की वैल्यू इट इज माइनस हंड्रेड राइट अब हमने ऑलरेडी अपनी जो इक्वेशंस हैं ठीक है उनके लिए फॉर्मूला बिल्डअप किया हुआ है पार्ट वन में ठीक है तो वही वाला फॉर्मूला जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे सो so, हम एक्स वाई और वन ठीक है इसे लिख लेते हैं सो so, एक्स के कॉफिशियंट्स को हम इग्नोर करेंगे दैट मीन्स कि ए वन और ए टू को इग्नोर करके एक साइड एक्स के हम बी वन और बी टू लिखेंगे मतलब वाई के कॉफिशियंट्स को लिखेंगे सो बी वन माइनस वन और बी टू वन है राइट right? अब दूसरी साइड हम वन के कॉफिशियंट्स मैंशन करेंगे सो सबसे पहले सी वन दैट इज माइनस ट्वेंटी सी टू माइनस हंड्रेड आएगा अब y के कॉफिशियंट्स को इग्नोर कर देंगे मतलब बी वन और बी टू को इग्नोर करके हम एक साइड पे वन के कॉफिशियंट मैंशन कर रहे हैं और दूसरी साइड पे हम x के कॉफिशियंट मैंशन करेंगे दैट इज ए वन ए टू सो ए वन की वैल्यू भी हमारे पास वन है और ए टू की वैल्यू भी वन आ रही है इसमें अब हम वन के कॉफिशियंट्स को इग्नोर करेंगे एक साइड पे हमने श्योरली एक्स के कॉफिशियन मेंशन कर दी है दूसरे साइड पे हम वाई के कॉफिशियन मेंशन करेंगे दैट इज बी वन माइनस वन और बी टू वन अब इन्हें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले हम x वाली टर्म्स लिख लेते हैं सो so, x बाय माइनस वन बी वन इंटू सी टू सो बी वन इंटू सी टू मीन्स माइनस वन इंटू माइनस हंड्रेड आ जाएगा ठीक है माइनस अब सेकेंड एरो देखा जाए तो इसकी टेल जो है वो B2 से स्टार्ट होके और C1 पे एंड कर रही है सो वन इंटू माइनस ट्वेंटी आ जाएगा इक्वल टू Y बाई अब यहां पे अगर आप देखो तो ये C1 से स्टार्ट होके फर्स्ट एरो की टेल और हमारे पास ए टू जो है उस पर एंड कर रही है सो माइनस ट्वेंटी इंटू वन आ जाएगा ठीक है माइनस सेकेंड एरो देखते हैं इसकी जो टेल है वो माइनस हंड्रेड से स्टार्ट हो रही है और एंड जो है वो वन पे कर रही है तो इंटू वन आ जाएगा इक्वल टू वन बाय नाउ अगर अब मैं फर्स्ट एरो की टेल देखूं तो वो वन से स्टार्ट हो रही है और वन पे ही एंड कर रही है कि यहां पे ये ए वन से स्टार्ट होके बी टू पे एंड कर रही है सेकेंड एरो जो है उसकी टेल A2 से स्टार्ट हो रही है और बी वन पे एंड कर रही है दैट मीन्स वन इंटू माइनस वन हो जाएगा राइट अब इनकी कैलकुलेशन कर लेती हैं सो एक्स बाय माइनस वन इंटू माइनस हंड्रेड ये प्लस का हंड्रेड आ जाएगा नाउ वन इंटू माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा सो प्लस ट्वेंटी आ गया इक्वल टू वाई बाई माइनस ट्वेंटी इंटू वन माइनस ट्वेंटी आ जाएगा ठीक है माइनस हंड्रेड इंटू वन माइनस हंड्रेड हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा सो प्लस हंड्रेड आ गया इक्वल टू वन बाय वन इंटू वन वन आ गया वन इंटू माइनस वन माइनस वन हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा सो प्लस वन आ गया अब एक्स बाय हंड्रेड प्लस ट्वेंटी वन ट्वेंटी बन जाएगा अब पहले तो एक्स वाली टर्म जो है वो हम वन वाली टर्म्स के इक्वल करेंगे ताकि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो सके देन वाई वाली टर्म को वन के इक्वल करके हम वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स बाय ट्वेंटी इक्वल टू वन बाय टू आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा सो so,

टू इंटू वाई इक्वल टू वन इंटू एटी टू वाई आ गया इक्वल टू वन इंटू एटी एटी बन जाएगा सो so, y की वैल्यू कितनी आ गई वाईल टू एटी बाय टू टू वन द टू टू फोर्टी द एटी राइट अब y की वैल्यू हमारे पास फोर्टी आ रही है दैट मीन्स स्पीड ऑफ कार वन जो है दैट इज सिक्सटी किलोमीटर पर आर और स्पीड ऑफ कार टू कारोर्टी किलोमीटर पर आर आ रही है ना दिस इज द फिफ्थ पार्ट ठीक है तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय नाइन स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय फाइव यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय थ्री यूनिट्स

अगर लेंथ थ्री यूनिट्स बढ़ा दी जाती है और ब्रेथ जो है वो टू यूनिट्स बढ़ा दी जाती है तो जो एरिया इंक्रीज होगा वो सिक्सटी सेवन स्क्वायर यूनिट्स होगा आपने जो डायमेंशन है रेक्टेंगल की वो बतानी है इस क्वेश्चन में हमने लेंथ और ब्रेथ की बात करनी है ये मेरे पास एक रेक्टेंगल आ गया राइट तो मुझे पता है कि जो हमारे पास बड़ी वाली साइट होती है ठीक है इसे हम लेंथ बोलते हैं राइट और जो छोटी वाली साइट होती है ठीक है इसे हम ब्रेथ बोलते हैं राइट सो so, जो लेंथ है इसे मैं एक्स अज्यूम करती हूं और जो ब्रेड है इसे मैं वाई अज्यूम करती हूं क्योंकि मेनली मैंने लेंथ और ब्रेड ही बतानी है राइट सो यू कैन राइट लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स यूनिट्स एंड ब्रेड ऑफ डी रेक्टेंगल बी वाई यूनिट्स राइट मुझे पता है कि जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो किसके इक्वल आता है लेंथ इंटू ब्रेथ के सो श्योरली यह क्या बन जाएगा x इंटू वाई बन जाएगा राइट? अब केस देखते हैं। हैं में ये बोल रहे कि कि अगर तो आप length जो है वो 5 units decrease कर हो, हो मतलब कि x -5 हो जाएगा, ठीक है और जो ब्रेथ है उसे थ्री यूनिट्स बढ़ा देते हो तो हमारे पास जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होगा वो नाइन स्क्वायर यूनिट जो है कम हो जाएगा राइट सो so, इसके लिए ऑब्वियसली केस वन देखते हैं हम केस वन में जो लेंथ है उसे फाइव यूनिट्स हमने कम करना है सो न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी न्यू लेंथ इक्वल टू एल माइनस फाइव दैट मींस एक्स माइनस फाइव हो जाएगी राइट right? और जो न्यू ब्रेथ है ठीक है इसे आपने थ्री यूनिट्स बढ़ाना है सो न्यू ब्रेथ इक्वल टू बी प्लस थ्री हो जाएगी दैट मींस वाई प्लस थ्री हो जाएगी अब जो न्यू एरिया आ रहा है ठीक है न्यू एरिया ये हमारे पास ऑब्वियसली एल इंटू बी के इक्वल आएगा सो एल इंटू बी मीन्स एक्स माइनस फाइव इंटू वाई प्लस थ्री ठीक है और ये कह रहे हैं कि जो नया एरिया आया है वो ओल्ड एरिया से नाइन स्क्वायर यूनिट कम होगा दैट मीन्स कि हमारे पास एक्स वाई माइनस नाइन आ जाएगा ठीक है अब इसे हम पहले सॉल्व करते हैं अपनी इक्वेशन बनाने के लिए सो एक्स इंटू वाई फर्स्ट ऑफ ऑल हम x को y वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो so, y प्लस थ्री माइनस फाइव और यहाँ पे y प्लस थ्री आ जाएगा इक्वल टू एक्स वाई माइनस नाइन आ गया सो so, x इंटू वाई एक्स वाई बन जाएगा x इंटू थ्री हमारे पास ये थ्री एक्स आ गया माइनस फाइव इंटू वाई माइनस फाइव वाई आ गया माइनस फाइव इंटू थ्री माइनस फिफ्टीन आ जाएगा इक्वल टू एक्स वाई माइनस नाइन आ गया अब ये जो सारी की सारी टर्म है एक्स वाई माइनस नाइन इसे मैं इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाऊंगी तो ये डेफिनेटली अपना साइन चेंज कर लेंगी एक्स वाई प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव वाई माइनस फिफ्टीन ये एक्स वाई माइनस का हो जाएगा और ये माइनस नाइन प्लस का नाइन हो जाएगा इक्वल टू ये सारी की सारी इक्वेशन जो है जीरो बन जाएगी अब यहाँ पे माइनस एक्स वाई है और यहाँ पे प्लस है तो ये कैंसिल हो गया राइट माइनस फिफ्टीन प्लस नाइन ये हमारे पास माइनस सिक्स दे देगा सो थ्री एक्स माइनस फाइव वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो ये फर्स्ट इक्वेजन बन जाएगी अब सेकेंड इक्वेशन की अगर बात करें दैट मीनस की केस टू की बात करें तो केस टू में ये कह रहे हैं कि अगर तो आप लेंथ जो है वो थ्री यूनिट्स बढ़ा देती हो राइट सो आप लिख सकती हो न्यू लेंथ टू जो नई लेंथ है ठीक so, right? है उसे थ्री यूनिट बढ़ा देती हूं सो एल प्लस थ्री आ गया ठीक है दैट मीन्स एक्स प्लस थ्री हो जाएगा राइट और जो ब्रेथ है उसे टू यूनिट बढ़ा देती हूं सो न्यू ब्रेथ इक्वल टू बी प्लस टू आ गया सो so, यहाँ पे y प्लस टू बन जाएगा तो जो नया एरिया आएगा हमारे पास न्यू एरिया टू ये कह रहे हैं कि ये पुराने एरिया से दैट मीन एक्स वाई से सिक्सटी सेवन यूनिट्स यूनिट ज्यादा होगा दैट मीन्स कि एक्स वाई प्लस सिक्सटी सेवन हो गया राइट अब मुझे पता है कि जो न्यू एरिया आएगा दैट विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ जो नई वाली लेंथ और ब्रेथ आई है ठीक है उसे आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास नया वाला एरिया आ जाएगा सो एक्स प्लस थ्री लेंथ इंटू वाई प्लस टू ब्रेथ आ गया और जो नया वाला एरिया है ये इसके इक्वल हो जाएगा एक्स वाई प्लस सिक्सटी सेवन अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं सो so, पहले मैं एक्स वाली टर्म को वाई प्लस टू के साथ मल्टीप्लाई करूंगी प्लस थ्री को वाई प्लस टू के साथ मल्टीप्लाई करूंगी इक्वल टू एक्स वाई प्लस सिक्सटी सेवन बन गया सो एक्स इंटू वाई एक्स वाई हो गया प्लस एक्स इंटू टू टू एक्स आ गया प्लस थ्री इंटू वाई थ्री वाई प्लस थ्री इंटू टू सिक्स हो जाएगा इक्वल टू एक्स वाई प्लस सिक्सटी सेवन आ गया Now, ये जो XY plus 67 है इसे जब मैं की दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये अपना साइन चेंज कर लेंगे सो प्लस माइनस का तो जाएगा तो और प्लस का सिक्सटी सेवन माइनस का सिक्सटी सेवन हो गया इक्वल टू जीरो राइट अब एक्स वाई माइनस का है और यहाँ पे प्लस का है तो ये दोनों कैंसिल हो गए नाउ माइनस सिक्सटी सेवन प्लस सिक्स ये माइनस सिक्सटी वन बन जाएगा सो टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सिक्सटी वन इक्वल टू जीरो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं तो आप अपनी इक्वेशंस लिख लोगे सो इक्वेशंस फर्स्ट इक्वेशन इज थ्री एक्स माइनस फाइव वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो सेकेंड इक्वेशन टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सिक्सटी वन इक्वल टू जीरो ये फर्स्ट इक्वेशन है ये सेकेंड इक्वेशन है पहले हम इन्हें स्टैंडर्ड इक्वेजन के साथ कंपेयर करेंगे ताकि हम कॉफिशियंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सके फर्स्ट इक्वेशन इज थ्री एक्स माइनस फाइव वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो सेकेंड इक्वेजन टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सिक्सटी वन इक्वल टू जीरो So, पहले मैं इक्वेशन वन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करूंगी ठीक है इसे मैं इक्वेशन वन कह रही हूँ इसीलिए सो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो सो ए वन की वैल्यू थ्री आ रही है बी वन की वैल्यू माइनस फाइव आ रही है और सी वन की वैल्यू माइनस सिक्स आ रही है सेकेंड इक्वेशन तो ये इक्वेशन सेकंड है इसीलिए इसकी कॉफिशंट ए टू बी टू और सी टू होंगे सो कंपेयरिंग विथ ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो ए टू की वैल्यू टू आ गई बी टू की वैल्यू थ्री आ गई और सी टू की वैल्यू माइनस सिक्सटी वन आ गई अब हम अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे सो so, x y 1 x की कोफिशिएंट्स को इग्नोर करेंगे दैट मींस कि a1 और a2 को इग्नोर करके x के एक साइड पे b1 b2 लिखेंगे b1 की वैल्यू -5 है b2 की वैल्यू 3 आ रही है और दूसरी साइड पे c1 c2 लिखेंगे सो so, c1 की वैल्यू -6 है c2 की वैल्यू -61 है अब y के कोफिशिएंट्स को इग्नोर कर दिया एक साइड पे हमने वन कर दिए हैं और दूसरी साइड पे अब हम हमारे कॉफिशियंट है वो मेंशन करेंगे सो so, है है और नाउ अब मैं वन के कॉफिशियंट मतलब सी वन सी टू को इग्नोर करके एक साइड पे हम एक्स की कॉफिशियंट लिखेंगे दैट इज ए वन ए टू ए वन की वैल्यू थ्री है ए टू की वैल्यू जो है टू आ रही है दूसरी साइड पे हम हमारे y के कॉफिशियंट मेंशन करेंगे b1 b2 सो बी वन की वैल्यू माइनस फाइव है b2 की वैल्यू थ्री है अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इक्वेशन बन जाएगी x बाय ना फर्स्ट एरो जो है ये माइनस फाइव से स्टार्ट होके एंड माइनस सिक्सटी वन पे कर रहा है सो माइनस फाइव इंटू माइनस सिक्सटी वन आ जाएगा ठीक है माइनस सेकेंड एरो करना है ठीक है फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करना है अपने अब सेकेंड एरो की टेल जो है वो स्टार्ट थ्री से हो रही है और एंड जो है वो माइनस सिक्स पे कर रही है इक्वल टू वाई बाई फर्स्ट एरो माइनस सिक्स से स्टार्ट हो रहा है और टू पे एंड कर रहा है राइट माइनस सेकेंड एरो माइनस सिक्सटी वन से स्टार्ट हो रहा है और थ्री पे एंड कर रहा है सो इन टू थ्री आ जाएगा इक्वल टू वन बाय नाउ अब फर्स्ट एरो थ्री से स्टार्ट होके एंड थ्री पे ही एंड कर रहा है सो थ्री इंटू थ्री माइनस सेकेंड एरो स्टार्ट हो रहा है और माइनस फाइव पे एंड कर रहा है राइट right? अब पहले हम कैलकुलेशन देखते हैं सो एक्स बाय माइनस फाइव इंटू माइनस सिक्सटी वन थ्री हंड्रेड एंड फाइव आ जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है अब थ्री इंटू सिक्स ये एटीन आ गया माइनस का साइन है माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा सो प्लस एटीन इक्वल टू वाई बाई माइनस सिक्स इंटू टू माइनस ट्वेल्व बन गया ठीक है माइनस का माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा सो so, प्लस का टेन बन जाएगा एक्स बाय थ्री हंड्रेड एंड फाइव प्लस एटीन ये थ्री ट्वेंटी थ्री दे देगा इक्वल टू वाई बाई माइनस ट्वेल्व प्लस टू वन बाई नाइन प्लस करना है ताकि हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सके देन y वाली टर्म को वन के इक्वल करके y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है x बाई थ्री ट्वेंटी इक्वल टू वन बाई नाइनटीन आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया सो एक्स इन नाइनटीन इक्वल टू वन इंटू थ्री ट्वेंटी थ्री आ जाएगा सो so, x की वैल्यू कितनी आ गई थ्री ट्वेंटी थ्री बाय नाइनटीन नाइनटीन वन द नाइनटीन एंड नाइनटीन सेवनटीन द थ्री ट्वेंटी थ्री तो x की वैल्यू कितनी हो गई सेवनटीन हो गई राइट right? अब y की वैल्यू देखते हैं y बाय वन सेवेंटी वन इक्वल टू वन बाय नाइनटीन सो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर से ये सो so, y इंटू नाइनटीन इक्वल टू वन इंटू वन सेवेंटी वन आ गया सो वाईल टू वन सेवेंटी वन बाई नाइनटीन नाइनटीन वन दाइनटीन एंड नाइनटीन नाइन दन सेवनटी वन आ जाएगा सो so, y की वैल्यू हमारे पास नाइन आ रही है दैट मीनस कि जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है ठीक है एक्चुअल लेंथ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इट इज सेवेंटीन यूनिट्स और जो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल है इट इज नाइन यूनिट्स